हमारे साथ सतीश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी सतीश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो। जी सतीश जी। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाकिम साहब से बात होगी? हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात कीजिए उनसे। जी फरमाइए सतीश जी। जी हाकिम साहब जी, ऐसा है कि जो भी मैं कोई खाना पीना करता हूँ वो हजम नहीं हो रहा है। कि क्या उम्र है सतीश और आपकी? खाने पीना जो भी करते हैं, किसी भी तरह का खाना खाते हैं जी घर जी में, जी वो खाना हजम नहीं हो रहा है। एज क्या है, आयु क्या है आपकी? आयु है मेरी 45। अच्छा अच्छा सतीश जी, देखिए एक घरेलू नुस्खा जो आप खुद बना लीजिए, और वो बहुत आसान है। आप लिख लीजिए हर चीज़। देखिए धनिया, जो साबुत धनिया आता है किचन में मौजूद है, धनिया, सौंफ, सौंठ, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन और कलमी शोरा, आप ये दवाएं लिख लीजिए। फिर से मैं दोहराता हूँ, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन और कलमी शोरा, ये पांच चीज़ें खरीदिए। ऐसे हम वज़न खरीदिए, यानी सबका वज़न बराबर हो। 50-50 ग्राम लें तो सबको 50-50 ग्राम लीजिए, 100-100 ग्राम लेना तो सबको 100-100 ग्राम लीजिए। ये सब साबुत लाइए, पिसावा बिल्कुल नहीं। घर में इसको पाउडर बनाइए, सफ़ू बनाइए, और 2 ग्राम सुबह जब नाश्ता करें उससे आधा घंटा पहले, और ज़रूरत पड़े तो शाम को जब खाना खाएं तो 2 ग्राम उस वक्त। 1 से 2 ग्राम खा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप जिस दिन से इसको इस्तेमाल करेंगे, मुझे उम्मीद है उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू होगा और आपकी बीमारी जाती रहेगी।